रायपुर ग्रीन आर्मी का बैठक आज वृंदावन हॉल सिविल लाइन रायपुर में संपन्न हुआ। मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने बताया कि आज 25 से अधिक नए सदस्यों ने सदस्यता प्राप्त करते हुए पर्यावरण संरक्षण हेतु शपथ ग्रहण लिया। प्रदेश अध्यक्ष श्री अमिताभ दुबे द्वारा नए सदस्यों को शपथ दिलाते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया। यह प्रशिक्षण मुख्य रूप से सभी वर्ग के लिए 3 बिंदुओं पर आधारित रहा। प्रथम एक्शन अर्थात संस्था सदस्यों को पहले खुद से कार्य प्रारंभ करना चाहिए। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। दुनिया को सुधारने के पहले हमें खुद को सुधारना होगा। द्वितीय संगठन पर्यावरण के लिए सभी धर्म समुदाय के लोगों को संगठित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। तृतीय वर्क फ्रॉम होम, अगर आप किसी कारणवश पर्यावरण के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप घर पर बैठे कार्य करें एवं औरों को भी प्रेरित करें। ग्रीन आर्मी संस्था तालाबों में पीपल और बरगद को लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हम हरियाली के लिए सभी धर्म समाज को एकत्रित करते हुए रायपुर के सभी तालाब को पीपल और बरगद से आच्छादित कर देंगे। रायपुर शहर तालाबों का शहर है। संस्था कोई भी हो लेकिन पीपल और बरगद लगाने प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही संस्था द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 21 सदस्यों को राइजिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। याद हो यह सम्मान संस्था द्वारा सदस्यों को उनके पर्यावरण के प्रति समर्पण लगन मेहनत एवं औरों को प्रेरित करने के लिए प्रदान किया जाता है। संस्था द्वारा यह सम्मान वर्तमान में 21 लोगों को प्रदान किया गया जो कि आगे भी जारी रहेगा। संस्था रायपुर जिला अध्यक्ष श्री गुरदीप सिंह टुटेजा ने कहा, वर्तमान में भीषण गर्मी का आगाज हो चुका है। पेड़ कोई भी लगाए, पानी हम सबको देना है। आज के कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हितेश दीवान द्वारा किया गया तथा राइजिंग अवार्ड हेतु आमंत्रण श्रीमती मोनिका बागरेचा जी एवं नए सदस्यों को शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रण श्रीमती सुमन दीवान जी द्वारा किया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व अध्यक्ष मोहन बालियानी, मिस्टर टारगेट, रात्रि लहरी, डॉक्टर मनोज ठाकुर एवं अन्य समस्त प्रमुख पदाधिकारी लगभग 150 की संख्या में उपस्थित रहे।